है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को, इसको आर नॉट को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में आईसीएमआर की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम आर नॉट को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम आर नॉट को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 250 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें यह समझना चाहिए कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जैसे कि माननीय मंत्री साहब इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं आखिर में फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद।